एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम गर्ल श्वेता। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY फेस मास्क, जिसके अप्लाइंग से आपकी स्किन लिफ्टन अप हो जाएगी, ब्राइटन अप हो जाएगी और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके जो फेशियल हेयर है वो भी रिमूव हो जाएंगे। अगर आप इसे अप्लाई करते हो हफ्ते में एक ही बार, बस एक ही बार, तो दिन ब दिन आपकी फेस में जो है ग्लोइनेस बढ़ जाएगी एंड देन आपकी स्किन जो लूज हो जाती है तो वो लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल मास्क है, बहुत ज्यादा इन्ग्रीडियंट की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। तो मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ टिश्यूज, पेपर टिश्यूज एंड आपको चाहिए एक, जी हाँ, हम एक यूज करने वाले हैं। हमें एक खाना बिल्कुल नहीं है, बस अप्लाई करना है और बस इस दो चीजों से हम करेंगे हमारा फेस मास्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक को कर लेते हैं ब्रेक। हमें एक योग नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक व्हाइट यूज करने वाले हैं। तो इस अंडे को ब्रेक करके मैं एक व्हाइट और एक योग को अलग कर रही हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने एक योग को कर लिया है अलग। अब हम बनाएंगे हमारा फेस मास्क। तो मैं इसे अप्लाई करूंगी ब्रश की हेल्प से और टिश्यूज हमें चाहिए कुछ, तो टिश्यूज को कर लेती हूँ मैं सेपरेट। तो कुछ इस फॉर्म में मैं टिश्यूज को ले रही हूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना। ये है एक व्हाइट। मेक श्योर कि आप जो है कुछ पुराना क्लोथ जो है उसे वेयर कर ले, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी और स्मेली होता है, तो इसकी स्मेल जाती नहीं है जल्दी से कपड़ों से। तो मैं इसे अप्लाई करूंगी, लेकिन इसका जो हेयर पैक है या फेस पैक है बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देता है। तो इस तरह से अप्लाई करना है एक कोट एंड देन मैं एक टिश्यू जो है इसके ऊपर स्टिक करने वाली हूँ। Like this. Eyebrows को थोड़ा छोड़ दे, तो मैंने eyebrows को जो है इस तरह से निकाल लिया है। जैसे eyebrows break नहीं होते है, लेकिन फिर भी। तो इसी तरह से मैं application को मेरे face के ऊपर पोर्शन बाय पोर्शन अप्लाई करूंगी एंड देन टिश्यू को अप्लाई करते जाऊंगी। यही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है ऑल ओवर द फेस, तब तक जब तक एक थिक लेयर हमारे फेस के ऊपर ना बन जाए टिश्यू की, क्योंकि एक थर्मल मास्क की तरह ये मास्क रेडी होता है। तो इसे बनाने के लिए हमें लेयरिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर लेयर में हम एक वाइट को अप्लाई ज़रूर करेंगे ताकि एक स्टिकीनेस हमारे फेस के ऊपर जो है इम्प्रूव हो जाए। ये मास्क बहुत ही ज़्यादा असर करता है ऑयली स्किन वालों के लोगों के लिए, स्पेशली जो है ऑयली स्किन वालों को एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, देन वाइट हेड, ब्लैक हेड की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस फेस मास्क से आपकी स्किन तो ब्राइटन अप भी होगी, टाइट हो जाएगी एंड ब्लैक हेड, वाइट हेड्स की जो शिकायत है वो कई हद तक दूर हो जाएगी। और हर स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, नॉर्मल हो, ऑयली हो, ये सभी के लिए बेस्ट रिजल्ट देता है। और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो गई है, लिफ्टन अप नहीं है, उनके लिए तो ये बेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिए हफ्ते में एक बार। इस तरह से मैं लेयरिंग करते जा रही हूँ। एक फाइनल बेस हो जाने के बाद हम जो है छोटे छोटे पीसेस में इसे टिश्यूज़ को लगा सकते हैं। अब हमारे नोज़ के एरिया को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। जहाँ जहाँ पर ये एम्प्टीनेस हैं सभी जगह पर टिश्यू को अप्लाई करना ज़रूरी है। इसे एयर ड्राई होने देना है, बिल्कुल भी आप धूप में ना बैठें एंड 15-20 मिनट तक आपको इसे रखना है। तब तक ये पूरा ड्राई हो जाएगा। जब तक ये आपके फेस के ऊपर अप्लाई हैं आपको बिल्कुल भी फेस एक्सप्रेशंस नहीं देने हैं, स्ट्रेच नहीं करना है फेस को, बात नहीं करनी है, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। आप कोई भी फेस पैक लगाते हो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि आपको एक्सप्रेशंस नहीं देने होते, यानी आपकी स्किन में जो टाइटनेस आती है वो इससे कई मतलब गुना कम हो जाती है, या फिर रिंकल्स की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप कोई भी फेस पैक या फेस मास्क अप्लाई करते वक्त अगर आप फेस एक्सप्रेशंस देते हो या बातें करते हो, तो इस वजह से स्ट्रेचिंग आपके फेस के ऊपर दिखने लगती है।
तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। पूरी तरह से ड्राई होने देना है इसे, टोटली 15 to 20 minutes में ये ड्राई हो जाता है एंड देन आप इसे रिमूव कर लेंगे। इसकी कोटिंग आपको तब तक लगानी है जब तक आपकी इनर स्किन आपको इजीली नज़र नहीं आनी चाहिए। इस तरह से आप इसकी कोटिंग करते जाएंगे। मैंने आई थिंक बड़े साइज़ के 10 से 12 जो टिश्यूज़ है अप्लाई करने के लिए मुझे लग गए हैं। सबसे पहले बेस के लिए मैंने प्रॉपर बड़े साइज़ में टिश्यू को अप्लाई किया था एंड देन मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसे लगा रही हूँ। तो ये पूरी तरह से अप्लाई होने के बाद, ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। मैं इसके ऊपर एक एक एप्लीकेशन लगा के इसे अब इसी तरह से रखने वाली हूँ। स्किन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, आप देख सकते हो। ओके गाइस, तो ये सूखने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसे हम पुल आउट करेंगे। ये बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है। एंड हियर वी गो, ये देखिए ये इस तरह से रिमूव हो गया है। एंड अब इसे आप कर लेंगे वॉश आउट। आपकी स्किन इससे बहुत ज्यादा ग्लोई हो जाएगी। हमने ये छोटे छोटे पीसेस लगा के रखे थे तो इसलिए ये थोड़े से चिपक गए, लेकिन हम इसे वॉश करने के बाद ये हमें एक प्लेन टिक्चर मिलेगा। तो मैं इसे सबसे पहले वॉश कर लेती हूँ। ओके गाइस, हियर इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ माय स्किन। आप देख सकते हो वो ग्लो करने लगती है। आप फील करेंगे जब आप इसे अप्लाई करेंगे, आपकी स्किन इंस्टेंटली लिफ्टन अप हो जाती है एंड आपकी जो फेशियल हेयर है वो भी रिमूव हो जाते हैं और कुछ हद तक डार्क स्पॉट भी फेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ये प्रोसेस हफ्ते में एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इससे मिलेंगे। फेस वॉश करने के बाद जो है आपको फेस को मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने लगा लिया है। क्योंकि आपके जो पोर्स है ओपन हो जाते हैं तो आपको ये खास ख्याल रखना है कि उन्हें आप मॉइस्चराइजर लगा के जो है क्लोज कर दें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ इसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड अदर भी स्किन और हेयर रिलेटेड कई सारे वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उन्हें भी एक बार चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूले एंड मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कीजिए, उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। स्टे ट्यून, बाय बाय।